सर एक समय था जब मोरालिटी के आधार पर यानी नैतिकता के आधार पर ही लोगों को महत्व दिया जाता था, लोगों को सम्मान दिया जाता था। जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, हर फील्ड में रिलीजन को, मोरालिटी को, सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा जाता था। और आज सबसे ज़्यादा पैसों को महत्व दिया जाता है और सबसे ऊपर भी पैसों को रखा जाता है, जीवन को बाद में रखा जाता है, क्योंकि आज पैसों से ही सफलता को मापा जाने लगा है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना सफल होगा, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसों का और सफलता का कोई डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इनडायरेक्ट तो हम किससे भी किसी को जोड़ सकते हैं, लेकिन पैसों का और सफलता का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई है, और बदली किसने? हम सभी ने। आज लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लोगों के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जिन्होंने कह दिया सो कह दिया, जबान के पक्के होते थे, अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर होता था। और आज अनुशासन की बात करना, डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करना, मोरालिटी की बात करना व्हाट अ जोक हो गया है। आप ईमानदार से बताना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। आज हर व्यक्ति धन कमाना चाह रहा है, और धन कमाना भी चाहिए, एक अच्छे जीवन के लिए धन जरूरी है। लेकिन धन सही तरीके से भी कमाया जा सकता है, सही रास्ते पर चलकर भी तो कमाया जा सकता है, या फिर नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा जिन लोगों ने सही रास्ते पर चलकर धन भी कमाया है, नाम भी कमाया है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी की है, और लोगों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। लेकिन उनके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके अनुभव से हमें वाकिफ होना पड़ेगा, और ये हमसे होता नहीं है। बस लोगों के अंदर एक भावना बना दी गई है कि बेटे सही रास्ते पर चलेगा ना, सत्य के रास्ते पर चलेगा तो भूखा मरेगा। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोगों ने सत्य के रास्ते पर चलकर, सही रास्ते पर चलकर पैसा भी कमाया है, नाम भी कमाया है, लोगों के लिए प्रेरणा भी बने हैं, और अभी भी काम ऐसे लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस हमें लोगों के अंदर एक भावना, एक बेबड़े सही रास्ते पर तो नहीं चलना है, भूखा मर जाएगा। ऐसा नहीं है सर, इसको तोड़ना होगा, इस भावनाओं को हमें अपने अंदर से निकालना होगा। जब आप ये बात बोलते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसा आए धन वैसा होए मन। आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पास धन कहाँ से आ रहा है, उसी से ही आपके पूरे के पूरे जीवन का मूल्य का निर्धारण होगा कि आपका जीवन कैसा होगा। कई लोग गलत तरीके से पैसा कमाकर सफलता अर्जित तो कर लेते हैं, उसे अगर सफलता तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो गलत तरीके से पैसा कमा के सफलता तो अर्जित कर लेते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि गलत तरीके से जो उस पैसे को आप सफलता का प्रतीक समझ रहे हैं, वो पैसा आपको असफलता के ऐसे अंधकार के गर्त में धकेल रहा है जहां से सकुशल आना संभव नहीं है सर। और इस पर गंभीर विचार करना होगा कि एक आचरणहीन व्यक्ति धनी तो हो सकता है, पैसे वाले तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में कभी भी शुमार नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर, सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना पड़ता है, अपने अंदर से मजबूत होना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकल, तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं। अपने आत्म मूल्यों को पहचानना पड़ता है, चारित्रिक मूल्यों पर काम करना पड़ता है, तप के साथ, संयम के साथ, त्याग के साथ अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना पड़ता है, जब आप अपने आप को नियंत्रण कर पाते हैं। और जब आपका अपने आप पर नियंत्रण होता है तब आपकी ये चीज़ें समझ में आती हैं, जब तक आप इससे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए आपको समझना होगा और ऐसे वीडियोस को शेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे वीडियोस को शेयर करता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे, इन विचारों पर आप ज़रूर काम करेंगे।